Now rubber. Rubber. Climatic conditions of rubber. Climatic conditions of rubber. Yes, Muskan. Cotton is a kharif crop. Very good. Kanak. 200 rainfall chahiye and temperature. Yes, moist and humid hona chahiye. 25 degree. Very good. Yes. Okay. Yes. Okay. Sabke right answers hain. कॉफी प्रोडक्शन में नंबर वन स्टेट का नाम बताइए. इन कॉफी प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन में नंबर वन स्टेट. स्टेट स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट. दिव्या स्टेट कर्नाटका. यस कर्नाटका इज द राइट आंसर. नंबर वन पोजीशन पर कर्नाटका है और उसके बाद केरला एंड तमिलनाडु. आप सबको पता ही है. आई इन्फॉर्म यू यस्टरडे कि टुमारो आई विल टेक अ टेस्ट बेस्ड ऑन योर क्रॉप्स, फूड्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स आल्सो. तो उन पर बेस्ड एक 10 क्वेश्चंस का छोटा सा हम एक टेस्ट लेंगे. तो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस, राइट? ओके, सो वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. जूट इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ क्रॉप. जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं बेटा. और ये इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसको ग्रो करने का, वो ये कि इसके लिए बहुत ही वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल चाहिए. मींस सॉइल बहुत अच्छी इरिगेटेड सॉइल होनी चाहिए, पानी कमी नहीं होनी चाहिए. और ये ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो हर साल रिन्यूड हो जाए. रिन्यूड मीन्स फ्लड प्लेन्स में ये होती है, इसीलिए क्योंकि रिवर जो है वो फ्लड प्लेन में कंटिन्यू अपने पानी को ड्रेन करती है. तो हमेशा वहाँ पर नई सॉइल, नई टाइप, नई सॉइल रहती है, है ना. तो सॉइल रिन्यूड होनी चाहिए एवरी ईयर. इसके लिए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. जब ये इसकी ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोइंग पीरियड जब जूट का होता है, तब उसको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है. और एरियाज आप जूट से जानते हैं, सब लोगों को पता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय. लेकिन वेस्ट बंगाल इज नंबर वन और उसके बाद ये बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय. और जूट, आजकल जूट बहुत डिमांड में है. इको फ्रेंडली होने की वजह से जूट ने बहुत सारी चीजों में अपनी जगह बना दी है. पैकिंग मटेरियल तो उसका था ही, बट अब वो बहुत डेकोरेटिव पीस में, डेकोरेशन के सामान में, इंटीरियर में यूज होने लगा है. और आप सब जानते हैं जूट की बनी हुई चीजों को बड़ा पसंद किया जाता है. लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि जूट जो है वो काफी हाई कॉस्ट है, उसकी कॉस्टिंग बहुत है. तो अपने इस कॉस्ट की वजह से पैकिंग मटेरियल जो को रिप्लेस कर दिया था प्लास्टिक ने. प्लास्टिक स्पेशली नायलॉन, आपने देखा होगा बीच में प्लास्टिक की रस्सी नायलॉन की आ गई थी, बहुत अभी भी यूज होती है क्योंकि जूट की कॉस्ट थोड़ी हाई है. लेकिन अब क्योंकि वो इको फ्रेंडली है और हम प्लास्टिक को बाय बाय कह रहे हैं, इसलिए दोबारा से जूट ने मार्केट में अपनी जगह बना ली है. इवन गवर्नमेंट भी जूट को बहुत प्रमोट कर रही है, जूट इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है. तो हमारे मॉडर्न टाइम की ये बहुत बड़ी डिमांड, राइट? चलिए, और आपकी क्रॉप सारी खत्म हो गई, जितनी भी फूड और नॉन फूड दोनों ही क्रॉप्स का एंड हो गया. अब हम नया टॉपिक लेंगे एग्रीकल्चर का. और ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को किस तरह हेल्प करती है, प्रमोट करती है, जिससे एग्रीकल्चर इंडिया की फ्लरिश हो. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. टेक्नोलॉजिकल मींस टेक्निक को इंप्रूव करना, एग्रीकल्चर की टेक्निक को इंप्रूव करना.
और इंस्टीट्यूशनल मीन्स फार्मर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश करना, उनके कर्जे माफ करना, उनके प्रोडक्ट में सब्सिडी देना, ये सब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। रिफॉर्म्स आप सबको क्लियर होगा, रिफॉर्म मीन्स सुधार करना, ठीक है। इट वॉज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Basically, India is an agricultural country. So, हमारे यहाँ हजारों साल से agriculture practice करते रहे. Sustained uses of land without compatible techno-institutional change have hindered the pace of agricultural development. मैं इस land का meaning आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा ये क्या कह रहा है. Sustained uses of land. अगर आप लैंड को, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को एवरी ईयर यूज करते चले जा रहे हैं, उसमें उसको अच्छा आउटपुट दिए बिना, इनपुट दिए बिना अगर आप यूज करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई टेक्निकल चेंज नहीं आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल चेंज हम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो के लिए जो इसमें फर्टाइल जब वर्ड आ गया ना, फर्टाइल, तो वो अलूवियम सॉइल भी हो गई और वो दूसरी, लेकिन फर्टाइल में सबसे ज्यादा अलूवियम सॉइल हो गई, ठीक है। सस्टेन यूजेस ऑफ लैंड मींस बिना रुके अगर हम कंटिन्यू एग्रीकल्चरल फील्ड को, सॉइल को यूज करते रहेंगे, उसमें हर साल फसल लेते चले जाएंगे और उसमें कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, कोई सुधार नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जो स्पीड है, पेस मीन स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें बहुत सारी ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो, तो हर साल हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। हमें सॉइल को और फर्टाइल बनाने पर काम करना होगा, हमें बीज की क्वालिटी पर काम करना होगा, हमें उसको मैन्योरिंग पर काम करना होगा। अगर हम अपने पुराने तरीके से ही चलते रहेंगे, सपोज प्रिमिटिव टूल्स के सारे ही अगर चलते रहते अब तक, तो क्या आप इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन को इंडियन एग्रीकल्चर फीड कर पाता, इज इट नॉट पॉसिबल। तो क्यों अब इतना हमारा एग्रीकल्चर अगर इतना काबिल हुआ है, इतना एफिशिएंटली अगर वो हमें फूड अवेलेबल करा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, ओके। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा जो हमारी एग्रीकल्चर ने जिस प्रॉब्लम को फेस किया है since many years ago, उसमें मेन चीज है आपका इरिगेशन। इंडियन एग्रीकल्चर हमेशा से मानसून पर डिपेंड रही है और मानसून अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। किसी साल अच्छी बारिश होती है, किसी साल अच्छी बारिश नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे मेजर किए इसको इम्प्रूव करने में, इस कमी को दूर करने। सबसे पहले मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए है ना, डैम जिनके थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई, कैनाल्स निकाली गई जिसके थ्रू फार्मर्स को, पीजेंट्स को के खेतों में कैनाल के थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई। बट आज भी इंडिया का किसान जो है वो मानसून पर डिपेंड है और इस वजह से कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जब मॉनसून फेवरेबल नहीं होता। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन को तो फिर फूड चाहिए ना, और अगर फूड की कमी हो जाएगी तो फूड बाहर से मंगाना पड़ेगा, फूड के प्राइस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें एग्रीकल्चर पर हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर भी रही है। आजकल आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे हमारा जो भी बजट है उसमें एक बहुत बड़ा शेयर एग्रीकल्चर के लिए रखा जाता है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन
जितने भी लोग रहते हैं, हमारे विलेज में जितने भी लोग, पॉपुलेशन जितनी भी रहती है, वो सब एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हैं। उनका मेन लाइवलीहुड क्या है? एग्रीकल्चर। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 60%, तो उसके लिए तो काम करना बनता ही है। अब इसके लिए क्या क्या काम किए गए? कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन मीन्स छोटी छोटी जमीनें इधर उधर पड़ी हुई थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट ने उन सारी लैंड को कलेक्ट करने का काम था, ठीक है? क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ लैंडलॉर्डिज्म या जमींदारी प्रथा, तो जमीनें बहुत थी और एक एक व्यक्ति के नाम पर बहुत बहुत सारी जमीनें थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस उस काम को किया गया और जमीनें इकट्ठी की गई, कलेक्टिवाइजेशन। फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जो जो जमीन थी उसको कंसोलिडेट किया गया, वो किसके नाम पर है, कहाँ है, कैसे है, कौन खेती करेगा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने देखी। कॉर्पोरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, कॉर्पोरेशन सिस्टम को गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया। कॉर्पोरेशन सिस्टम क्या होता है? शुगर, आपने शुगर केन की क्रॉप के बारे में भी पढ़ा, शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री। इंडिया में शुगर केन ज्यादातर कॉपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा चलाया जाता है। तो कॉपरेटिव सोसाइटीज क्या है? जो कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दैट ग्रुप, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उन वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं की जमीन होती है, उन्हीं की लेबर होती है, वही क्रॉप को ग्रो करते हैं। फिर उस क्रॉप का रॉ मटेरियल कहाँ यूज हो रहा है, फैक्ट्री में कहाँ जा रहा है, अगर शुगर केन है तो शुगर बन रही है, तो शुगर मिल्स भी उनकी है ना, वहाँ पर शुगर भी उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है, फिर उन्हीं के द्वारा बेची जा रही है। यानी कि पूरा के पूरा सिस्टम शुगर केन का, शुगर तक ये पूरा सिस्टम है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। किसान से शुगर केन परचेज करना है, फिर उसको फैक्ट्री तक पहुँचाना है, फैक्ट्री वाला अलग ओनर है, ऐसी ना, ऐसा नहीं। कॉपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो सब कुछ खुद देखती है, उसका क्रॉप भी खुद देख, क्रॉप प्रोडक्शन भी खुद देखती है, ठीक है, फैक्ट्री प्रोडक्शन भी खुद देखती है, मार्केट में भी वो उसको खुद बेच रही है, ये सारी चीजें कॉपरेटिव करती है। तो कॉपरेशन को इंकरेज किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदार, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने, क्योंकि जमींदारी आपने सुना होगा बड़े बड़े जमींदार होते थे और वो बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे किसानों को, उनसे देखा होगा आपने फिल्मों में भी, खाली पेपर पर साइन करा लेना, बहुत ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट पर लोन देना, ये सारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम अब पूरी तरह खत्म हो गया। ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जो कंट्री में किए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर लैंड रिफॉर्म्स पर काम किया गया। लैंड रिफॉर्म मींस जमीन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, जो फैलो लैंड्स थे, जो बैरन लैंड्स थे, उन पर केमिकल इनपुट्स के द्वारा बहुत ज्यादा उन पर फोकस किया गया कि कौन सी फसलें बोई जाए जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। इस पर कम से कम 5 साल गवर्नमेंट ने काम किया, क्योंकि इंडिया में ये बहुत जरूरी था कंसोलिडेशन, यानी कि उस एक परिणाम निकालना, कंसोलिडेट करना लैंड को कि हमारे पास कितनी जमीन है और उस पर कितना आउटपुट हम ले सकते हैं। बिकॉज इंडिया में राइट ऑफ इनहेरिटेंस आप सब पढ़ चुके हैं, है ना, अर्लियर आई टोल्ड यू अबाउट द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स होता है उत्तराधिकारी का अधिकार, कि जिस किसान के जितने बेटे हैं उनमें वो जमीन बढ़ जाती है और धीरे धीरे बढ़ने के बाद क्या होता है, जमीन छोटी और छोटी होती चली जाती है ना। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर 5 या 10 बीघा जमीन है और उसके 5 बेटे हैं, तो अगर 5 है तो 1-1 बीघा आएगी और 10 है तो 2-2 बीघा आ जाएंगी, तो फिर वो लैंडफॉर्म छोटे छोटे हो गए और छोटी लैंड होल्डिंग्स पर प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। प्रेशर बहुत होता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो फ्रेगमेंटेशन है,
फ्रेगमेंटेशन भी बिखरा हुआ है उस लैंड को कंसोलिडेट किया जाए। तो अभी ये पूरे आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़े हैं कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को एडवांस किया जाए, जो जो ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं उनको खत्म किया जाए और एग्रीकल्चर की स्पीड को, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए विदाउट एनी हिंडर्ड, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। क्लियर? एक बार आप इसे रीड कर लीजिए, अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी क्वेरी है तो आप पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, क्लियर कीजिए अपना डाउट, फिर हम आपको दूसरा टॉपिक समझाते हैं। इंडिया ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए, लेकिन एज यू नो कि लॉज बनते तो हैं लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट का भी लैकिंग रहता है, उसका जो न्यू फॉर्म मीन्स एक ऐसा स्ट्रिक्ट ना होना, बना दिए लॉज अब माने तो माने ना माने तो कोई बात नहीं, तो इस तरह का जो न्यू फॉर्म एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, उसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज हैं वो बहुत फॉर्मली इनैक्ट, फॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। सबसे ज्यादा इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो 1960 से 1970 के बीच में उसमें काफी काम हुआ उस पर, क्योंकि उस दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी पर बहुत काम हुआ, वाइट रेवोल्यूशन यानी कि ऑपरेशन वाइट रेवोल्यूशन मीन्स बिल्क पर काम किया गया और इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई गई। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के कुछ ही स्टेट्स में बहुत अच्छे से हुआ, बहुत सारे स्टेट्स ऐसा नहीं कर पाए, बहुत सारे स्टेट्स में ये चीजें प्रैक्टिस नहीं हो पाई। 1980 से 1990 के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव बहुत बड़े स्तर पर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों तरीके के रिफॉर्म्स थे और उसमें जो टेक्निकल सिस्टम था उसमें क्रॉप इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी चीज है। क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे हम सब अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं ना, ऐसे ही क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है। क्रॉप इंश्योरेंस से क्या फायदा होता है कि सपोज ड्रॉट पड़ गया इस बार या बहुत हेल स्ट्रॉम आ गया, आपकी फसल खड़ी की खड़ी फसल एकदम तैयार थी लेकिन खराब हो गई, या पेस्ट उसमें लग गए है ना, इंसेक्ट की वजह से वो खराब हो गई, तो उससे क्या होता है अगर आपने अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप अपना कंपनसेशन ले सकते हैं, आपकी फसल की जो कीमत थी उसे आप थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। तो दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ peasants of and farmers, crop insurance, ya aapka drought, flood, cyclone, fire, suppose aag lag gayi aur aapki fasal kharab ho gayi, disease, bimari hai na, fasal ki fasal mein koi jo lag jati hai na bimari, koi keeda lag gaya, kuch lag gaya, usse aapko protect karta hai ye insurance, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत सफर कर रहा था वो था लोन फैसिलिटीज। लोन फैसिलिटीज हमारे यहाँ गांव में हमने पढ़ चुके हैं आप लोग प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरह जो हमारे पीजेंट्स और फार्मर्स हैं वो लोन के लिए इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड, लैंडर्स, ट्रेडर्स, बिग फार्मर्स, तो उनसे क्या होता है, नुकसान क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लगाते हैं, बहुत हाई चार्ज करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने गांव में
ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको खोलने की कोशिश की है कि हर गांव में एटलीस्ट बैंक अवेलेबल हो, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी अवेलेबल हो जो उन लोगों को लोन प्रोवाइड करे मिनिमम इंटरेस्ट रेट्स पर, और फार्मर्स के साथ, पीसीएस के साथ कोई चीटिंग ना हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये कुछ अदर स्कीम इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने जिससे फार्मर्स को फायदा हो। इसके अलावा टाइम टाइम पर हमारी गवर्नमेंट, और आपने टीवी पर भी देखा होगा, नेशनल चैनल पर एग्रीकल्चर वेदर बुलेटिन प्रोवाइड कराती है। वेदर बुलेटिन का क्या फायदा होता है एग्रीकल्चर को, कि वो लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं कि आज इस तरीके का मौसम है, आज इस तरीके का मौसम, तो वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा वेदर बुलेटिन। गवर्नमेंट एक और बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन इससे पहले अभी आप पूरा जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार देख लीजिए, कहीं कुछ समझना है तो आप हैंड रेज कर देंगे तो मैम आपको या तो अनम्यूट कर देंगी या फिर चैट अवेलेबल। सब कुछ क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? हम टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को कर रहे हैं। मैम, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए, कंसोलिडेट का मतलब होता है एक ठोस प्रोग्राम बनाना, कंसोलिडेट का, है ना, मींस इंडिया में कितना लैंड है और कितना आपके पास, कितने लोगों को वो बटा हुआ है, है ना, कौन कौन उसके ओनर है, ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना, दिस इज कंसोलिडेशन। और होल्डिंग्स का मतलब है आपका लैंड, कंसोलिडेट होल्डिंग्स का मींस है जिसके पास जितनी जमीन है उसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होना, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंडर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंडर्ड? हिंडर्ड Hinder means obstacle, बाधा, है ना, आप कोई काम कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज कॉल्ड हिंडर। ओके मैम, इज देयर एनीवन? बेटा अनम्यूट योर सॉरी म्यूट योरसेल्फ व्हेन योर वर्क इज व्हेन यू आस्क योर क्वेश्चन एंड योर वर्क इज डन देन म्यूट योरसेल्फ बिकॉज़ इफ आई विल बी अनम्यूटिंग देन योर टीचर विल आल्सो बी म्यूटेड ना। ओके डन स्टूडेंट्स, सबको क्लियर हो रहा है ना कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए, एग्रीकल्चर स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे आप इम्पोर्टेंट लिख लेना पेज नंबर 42, और इसके 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसको इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर भी इसमें से आया था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर के लिए क्या काम कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये दूसरे ये और स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर फार्मर्स, है ना, टाइम टाइम पर रेडियो और टेलीविजन पर वो प्रोग्राम्स आते हैं, और जो हमारे पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं, और उन्हें ये बताया जाता है कि वो किस सीजन में कौन सी फसल बोएं, और एक साल में मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर वो लेना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये टॉपिक फूड सिक्योरिटी में आपने पढ़ा होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएस,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस मींस गवर्नमेंट जब फार्मर से ग्रेन्स लेती है, वीट लेती है, राइस लेती है, तो लेने से पहले ही ग्रोइंग सीजन जब होता है, जब सोइंग सीजन होता है, तभी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि इतने पैसों में हम तुमसे फसल खरीद लेंगे। ठीक है, तो जो किसान है, जो फार्मर है, वो श्योर हो जाता है कि उसकी फसल इतने में तो चली जाएगी। ठीक है, तो उसका ये इंश्योरेंस बहुत बड़ा है ग्रोइंग सीजन के टाइम पर, सोइंग सीजन के टाइम पर, और इससे फार्मर को इनकरेजमेंट मिलता है ना, उसको एग्रीकल्चर को करने के लिए, एग्रीकल्चर को लाइवलीहुड बनाने के लिए एक इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं गवर्नमेंट सपोर्ट मुझे करेगी। रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्युलेटर्स एंड मिडलमैन। फार्मर्स और पीजेंट्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है इन स्पेक्युलेटर्स और मिडलमैन, यानी कि जो दलाल होते हैं, जो किसान से बहुत कम पैसों में खरीदते हैं और शहरों में बहुत ज्यादा पैसों में जाकर बेच देते हैं। ऐसे लोगों से जो हमारी गवर्नमेंट है वो बचाती है और हमारे फार्मर्स को, और रेम्यूनरेटिव माने उसका जो मेहनताना है, जो उसका परिश्रम है, उसकी पूरी सही कीमत उसे दी जाती है, और उसकी उसकी फसल की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उसे देती है विदाउट द हेल्प ऑफ स्पेक्युलेटर्स और मिडलमैन। उनको अलग कर दिया जाता है, नहीं तो किसान कभी कभी इनके शिकंजे में फंस जाता है बेचारा, और उसे सस्ते में अपनी फसल बेचनी होती है, बेचनी पड़ती है, और उसको बहुत फायदा नहीं होता, और वो जो मिडलमैन है उसको बहुत फायदा हो जाता है। ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक था टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और इसमें हमने आज क्या डिस्कस किया कि हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर को कैसे एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे ह्यूज पॉपुलेशन है। हाँ बोलो बेटा। मैम व्हाट इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स का मीन्स है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट बनी, तो वो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनी जाती है, ये तो आपको पता है, हर गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनती है, फिर इलेक्शन होते हैं। तो जो उसकी इनिशियल 5 ईयर्स थे हमारी गवर्नमेंट की, उस इनिशियल 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पर, क्योंकि उस वक्त हमारी एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब थी, इंडस्ट्रीज तो बात की बात थी, हमें अपने एग्रीकल्चर पर काम करना था। तो जो इनिशियल 5 ईयर्स ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट हैड डन वर्क फॉर एग्रीकल्चर, उसी दौरान जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, है ना, इसके अलावा लैंड होल्डिंग्स पर काम किया गया, आप बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज की बात डिस्कस हुई, डैम बनाना शुरू हुए, ऑल दीस थिंग्स। मैम Thank you. ठीक है, और बताइए, और कोई क्वेरीज हो तो आप वो बताइए, आपका टाइम तो होने वाला है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी तो वो मैं ले लेती हूँ अभी। सबको कल के लिए क्लियर है? I will take your test. तो जो बच्चे अभी नहीं भी हैं या disconnect हो गए हैं या नहीं है, उनको भी ये message convey कर दीजिए कल वो crop को अच्छे से prepare करें। मैं उस पर एक